हेलो एवरीवन, क्लास सेभेन रो जियोग्राफी बुक अच्छे आमर एनवायरनमेंट बुक अच्छी से बुक रो फर्स्ट चैप्टर कौन हो ची ना एनवायरनमेंट तार एमसीक्यू आम आलोचना करवा। चलो पहले आम देखा ये चैप्टर कौन कौन एमसीक्यू आसी पार से गुड़िक ही मुझे डिस्कसन कर देख पे ए पिक्चर टी तुम बुक थी निहाती ए पिक्चर हिं तुम अधिकांश क्वेश्चन आसो पे क्वेश्चन मैंने ये तुम सब क्वेश्चन अच्छे देख पे सपोज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट यार कंपोनेंट कौन बा एनवायरनमेंट जो क्रिएट होती कौन कौन है ना नेचुरल ह्यूमन मेड ह्यूमन ये तीनोटा को नहीं कन्वर्ट होती कौन ना एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट तापर देखा जो नेचुरल एनवायरनमेंट रहा देखिपार ये हूँ नेचुरल एनवायरनमेंट ये नेचुरल एनवायरनमेंट तार कंपोनेंट देखा ये हूँ लिविंग थिंग्स को क्रिएट होगी लैंड को नहीं एयर को नहीं वाटर को नहीं भी नेम अच्छी जो वाटर डोमेन ऑफ वाटर को कौन कह जाए ना हाइड्रोस्फीयर देखिपार ये कौन लिखाई हाइड्रोस्फीयर है जूम करदे बुक तुम पे गुड़िक सब अच्छी डोमेन ऑफ वाटर को कौन कह जाए हाइड्रोस्फीयर तुम पे एमसीक्यू पड़ थोड़ा डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डैश कौन हम ना हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फीयर डोमेन ऑफ लैंड इज कॉल्ड लिथोस्फीयर डोमेन ऑफ लिविंग थिंग्स आइदर तुम एनिमल केस हो कि प्लांट केस हो सब किसी कौन हम ये सब बायोस्फीयर जीव मन रख पे वाटर हूँ हाइड्रोस्फीयर एयर हूँ एटमॉस्फीयर लैंड हूँ लिथोस्फीयर और लिविंग थिंग्स सब बायोस्फीयर में काउंट करा जाए तापर ह्यूमन मेड जितक सब ह्यूमन तैयारी कर जो तुम्हें ह्यूमन मेड जो टच कर पार जो मनुष्य तैयारी कर टच कर पार्टी सब से ह्यूमन मेड रे काउंट कर जो गुड़िक मनुष तैयारी करटा टच कर पार सपोज फैमिली जिनसा आम जानू फैमिली 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 गोटे रिलेसनटा तापर कम्युनिटी भी गोटे गोटे संस्थाटा दलटा रिलीजन जोटा को टच कर पारा ना सपोज एजुकेशनल सिस्टम आम जानू एजुकेशन कि टच करहब कि ना ये सब ह्यूमन जीव तापर देखा जीत सब लिविंग मिंग्स जो कनभर्ट कर देख ये जस्ट जो कहला कौन कह लिविंग थिंग्स को कौन कहला बायोस्फीयर तापर देखा बायोटिक आउ एबायोटिक कौन दि वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड रे बहुत सारा अच्छा लिविंग भी अच्छा नॉन लिविंग भी अच्छा से मतलब जे मान जीवन अच्छे से कौन कह बायोटिक कह दि वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जांपल प्लांट एनिमल एम सब बायोटिक कंपोनेंट कह दि वर्ल्ड नॉन लिविंग एलिमेंट मानक कौन कह एबायोटिक कह एग्जांपल दवा लैंड जो गुड़िकर जीवन ना एबायोटिक जार जीवन अच्छी कौन कह बायोटिक कंपोनेंट नेक्स्ट देखा जो एनवायरनमेंट कहा जो एनवायरनमेंटा हूँ फ्रेंच वर्ड एनवायरनर एनवायरनर रु ही आसार अर्थ कौन ना नेबरहुड मन रखि था तार ये गोटे फ्रेंच वर्ड तार मीनिंग हूँ नेबरहुड तापर प्लान जस्ट कही सारी लिथोस्फीयर लिथोस्फीयरटा कौन ना दि सॉलिड क्रस्ट ऑफ दि हार्ट टॉप लेयर ऑफ दि अर्थ अर्थ को कौन कह जाए ना लिथोस्फीयर कह जाए तापर प्लान शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन चलती शॉर्टरे भी एमती लिखाई थे लिथोस्फीयर इज ए इज दि डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग लैंड एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट इट इज अल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ बहुत सारा बहु संपत्ति ये आम कौट लिथोस्फीयर बा आम कौन स्थल भाग में भरपूर ही अच्छी देख पे से जिनस कहु देख स्थल भाग जिनसा कह देखिपार चल बा लैंडटा कह लिथोस्फीयर जल भाग को कौन कह हाइड्रोस्फीयर तापर एयर पोर्सन को कौन कह बायोस्फीयर है सरी देख पे बायोस्फीयर जो जिनसा बायोस्फीयर हूँ जीवजंतुटा जीवजंतु जिनस को कौन कह गछलता कि मनुष्य प्रजाति को कौन कह बायोस्फीयर आउ एयर सिस्टम को कौन कह एटमॉस्फीयर कह ये जस्ट कहली हाइड्रोस्फीयर किस ना दि डोमेन ऑफ वाटर टाक कौन कह हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फीयर कौन थिन लेयर ऑफ एयर को कौन कह एटमॉस्फीयर मन रख सब हाइड्रोस्फीयर हूँ वाटर एटमॉस्फीयर हूँ एयर तापर लिथोस्फीयर जो सह कले लिथोस्फीयर कौन जिनसा लैंड प्रॉपर्टी जिन सब कौन कह लिथोस्फीयर तापर जी सब लिविंग थिंग्स जितकी रोचन सब आइदर प्लांट को एनिमल केस को युड़िक सब बायोस्फीयर काउंट कर
ତାପରେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଏ ଡେଫିନେସନ୍ଟେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ମ ବାଇ ଦି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦି ଫିଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦେ ଲିଭ୍ ଅଲ୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ୍। ଏହାର ସର୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦି ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦି ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଦି ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦି ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଫର୍ମ ଏନ୍ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଡେ, ୱାର୍ଲଡ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଡେ ଜୁନ୍ 5ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ବାଟର ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ, ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପଇସା ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଥିଲା। ସପୋଜ୍ କେଉଁଠି ସେତେବେଳେ ଥିଲା କିମ୍ବା ତୁମେ ଚାଉଳ ଧାନଟା ଦେବ, ସିଏ ଆଉ କିଛି ତୁମକୁ ପରିବା ଦେବ, ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଥିଲା। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ବାଟର ସିଷ୍ଟମ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ୱିଥଆଉଟ୍ ଦି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମନି। ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଇଦର ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ସର୍ଟ 2 ମାର୍କର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ଏଇ ଚାପ୍ଟର 1ରୁ ଏଇ ଏତିକି ହିଁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ନେଚୁରାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ନା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ୱାଟର, ଏୟାର, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନିମଲ୍ସ କମ୍ପ୍ରାଇଜ୍ ଦି ନେଚୁରାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ଏଇ ମିଶିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ୱାଟର, ଏୟାର, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନିମଲ୍ ମିଶିକି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ନେଚୁରାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ପିକ୍ଚର୍ଟିକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ନିହାତି ଦେଖିବ, ଏଇଠୁ ହିଁ ତୁମର 3 କି 4 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆସିଯିବ। ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ, ଧର ଏଠି ନେଚୁରାଲରେ କ'ଣ ଗଲା ନା, ୱାଟର ଗଲା, ଏୟାର ଗଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଲା, ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଗଲା। ସେ ଭିତରୁ ୱାଟରକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି, ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର, ଏୟାରକୁ କୁହାହେଉଛି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କୁହାହେଉଛି ଲିଥୋସ୍ଫିୟର, ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ୍ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା, ବିଲ୍ଡିଂସ, ପାର୍କସ୍, ବ୍ରିଜେସ୍, ରୋଡ୍ସ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମନୁମେଣ୍ଟସ୍, ଏଗା ସବୁ ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ୍। ହ୍ୟୁମାନ କେଉଁଗା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ଆମର, ଯେଉଁ ଟଚ୍ କରିପାରିବାର ନାହିଁ ହେଲା, ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଧର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବା ଫ୍ୟାମିଲି ସିଷ୍ଟମ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍, ରିଲିଜନ୍, ଆମ ଭିତରେ ସେଗା ସବୁ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଗା ସବୁ ହ୍ୟୁମାନରେ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯଦି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଦେଖିବା।